नमस्कार, साधना प्लस न्यूज पर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरें देख रहे हैं आप। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर सबकी हेडलाइंस पर। शिमला में सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए बुलाई गई बैठक, संसदीय कार्य मंत्री को सौंपा गया बैठक का जिम्मा। अमृतसर में एसजीपीसी की हुई आज अहम मीटिंग, बीबी जागीर कौर ने लिए कई अहम फैसले, एक हफ्ते में ऑक्सीजन प्लांट शुरू करवाने की कही बात। अमृतसर के एक घर में पाए गए 5 लोग कोरोना पॉजिटिव, इलाकों को किया गया माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित, लोगों से की घरों के बाहर नहीं निकलने की अपील। फगवाड़ा में कोरोना के मामलों में हो रहा इजाफा, डीसी एसएसपी ने लिया कोरोना कैंप का जायजा, पुलिस अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। पंजाब हरियाणा हिमाचल की खबरें देख रहे हैं आप। खबरों की शुरुआत कोविड से करेंगे, जहां कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जो कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में होगी। वहीं बैठक में संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज को बैठक का जिम्मा सौंपा गया है। आज शाम 5 बजे नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री भाकपा विधायक के साथ निर्दलीय विधायक बैठक में कोविड हालातों पर चर्चा करेंगे। कोविड 19 वैश्विक महामारी का जो वर्तमान दौर है हिन्दुस्तान में, वो काफी तेजी से प्रवेश कर रहा है। हिमाचल प्रदेश में भी पिछले कुछ दिनों से जो है वो बड़ी तेजी से जो है वो लोग संक्रमित हो रहे हैं और हमारे देश में जैसी सिचुएशन है उसमें ऑक्सीजन की, दवाइयों की, वैक्सीन जो है वो रिक्वायरमेंट बढ़ते आगे। और अब बात अमृतसर की करेंगे, जहां एसजीपीसी की आज अहम मीटिंग हुई, जो एसजीपीसी प्रधान बीबी जागीर कौर की अध्यक्षता में की गई, जिसमें कोरोना के मामलों को देखते हुए कई अहम फैसले भी लिए गए। जिसमें एसजीपीसी प्रधान बीबी जागीर कौर ने कहा कि गुरु रामदास चैरिटेबल अस्पताल में एक हफ्ते के अंदर ऑक्सीजन प्लांट की शुरूआत हो जाएगी। वहीं ऑक्सीजन प्लांट के लिए जनरेटर भी खरीद लिया गया है, साथ ही ऑडिट भी शुरू किया जा चुका है। साथ ही उन्होंने कहा कि जल्द ही 100 बेड का कोरोना वार्ड कल से शुरू हो जाएगा, जिससे कोरोना मरीजों के परिजनों को बेड लेने के लिए दिक्कतें नहीं होंगी। लहर बहर है जो संगत घट गई, ये गोल का तो नेचुरली है, ये बहुत घट जाती है जिन्हें सा खर्चा नहीं करता, खर्चा बढ़ता मुसीबत हूं। अज जी कोरोना की गल है, असी जनरेटर भी लै रहे हैं, असी वैक्सीन भी दे रहे हैं, असी कंसेंट्रेटर भी लै रहे हैं, असी पलंग भी सब कुछ जो असी लै के खर्च कर रहे हैं, ये तो खर्चे चलने ही हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने कुछ इलाकों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। आपको बता दें कि रंजीत एवेन्यू में एक घर के 5 सदस्य पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और इलाके को सील कर दिया गया, जिसके बाद परिजनों के खाने का और जरूरी चीजों का प्रबंध स्वास्थ्य विभाग ने खुद किया। आपको बता दें कि अमृतसर का ये पूरा मामला, जहां एक घर के 5 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, वहीं लोगों के पॉजिटिव आने के बाद इलाके को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। आपको बता दें कि रंजीत एवेन्यू में एक घर के 5 सदस्य कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे, इलाके को सील किया गया, वहीं परिजनों के खाने का और जरूरी चीजों का प्रबंध स्वास्थ्य विभाग के द्वारा किया गया। हाँ जी, माई सेल्फ कमल रोड़ा, मेरी कोविड मिनिटर की इतने ड्यूटी लगी हुई है। इतने 205 रंजीत एवन्यू ए ब्लॉक दे विच एक माइक्रो कंटेनमेंट जोन है, जिस परिवार के 5 मैंबर जड़े सी पॉजिटिव पाए गए थे, पर बड़ा ही सोहना अरेजमेंट करके मैडम अनमजोत कौर जीसी साहब दिदायतों पूरी तरह उन्होंने पालन करते हुए इस रैकेगनाइज कर लिया, आइडेंटीफाई कर लिया वाली माइक्रो कंटेनमेंट जोन, और साड़ी ड्यूटीज जड़ियां लगा दी गई सी, नाल पुलिस के मुलाजम जड़े मतलब 24/7 ड्यूटी जड़ी इत्थे दित्ती है सारे ने।
और अगली खबर फगवाड़ा से है, जहां कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। इसी को लेकर हालातों का जायजा लेने के लिए जिला कपूरथला डीसी और एसएसपी मौके पर पहुंचे। वहीं कोरोना जांच के लिए लगाए गए कैंप की जांच की गई। आपको बता दें कि इस दौरान पुलिस अधिकारियों को कई जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। वहीं मौके पर डीसी कपूरथला दीप्ति उप्पल ने कहा कि जिले में माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर ध्यान देने की जरूरत है। वहीं कोरोना वैक्सीन की कमी को लेकर डीसी ने जानकारी देते हुए कहा कि आज शाम तक उनके पास वैक्सीन के आने की संभावना है और वैक्सीन आने के साथ ही वैक्सीन प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। और पंजाब में लॉकडाउन लगने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि लॉकडाउन लगने से व्यापारियों और दुकानदारों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। इसी को लेकर व्यापारियों ने सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है और कहा कि रोज 300 रुपए दिहाड़ी कमाने वाले दुकानदार अब रोजी रोटी कैसे कमाएंगे, उनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि अगर सरकार बीमारी से बचाने की बात करती है तो लोग भुखमरी से मर जाएंगे। इसी के साथ उन्होंने आग्रह किया कि सरकार कम से कम 2 से 3 घंटे दुकान खोलने का समय दे और अगर कोई फैसला नहीं लिया गया तो आंदोलन किया जाएगा। पर मेन गल यह है भी जेडे लॉकडाउन है, कोई तो है नहीं भी 4-5 दुकाना बंद हो जाए, 4 खुल जाए, कुछ दुकाना खुलिया ने कुछ बंद ने, जिड़िया कहें भी साढ़े वास्ते जरूरतमंद दुकाना ने खोलिया ने, यह खुलिया कि मतलब साढ़े टीम से वध जिन्ना टीम भीड़ होंगी है उतू भीड़ हो रही है। साढ़े को देखा जाए जिदा हो सारी दुकाना खोलना जब टाइम देने 2-4 घंटे का, यह सिस्टम थोड़ा कोई यह कल लॉकडाउन है। दुकानदार जो हालात ने जी वह बहुत माड़े ने, क्योंकि जदों का पिछले साल लॉकडाउन होया उदू बाद दुकानदार हजे वह पिछले वाला घाटा ही नहीं पूरा होया जी। दोबारा फिर सरकार ने बिना सोचे समझे यह लॉकडाउन का जिहड़ा फैसला है दुकानदारों से थोपता, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और खन्ना में मुलाजिमों की मिली भगत से सरेआम सब्जी मंडी में सैकड़ों टेम्पू पहुंचे, जिसके बाद सब्जी लेने के लिए हजारों लोग भी पहुंच गए, जिसकी वजह से मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ी। जिसके बाद खन्ना एसडीएम खन्ना ने मंडी के आड़तियों को आदेश दिया कि सब्जी मंडी में सिर्फ सब्जी विक्रेता ही सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे तक सब्जी बेच सकते हैं, लेकिन मंडी में किसी भी वाहन की एंट्री नहीं होगी। इसको देखते हुए मेन गेट पर ताला भी लगा दिया गया जिससे वहां भीड़ इकट्ठा ना हो सके। तो आपको बता दें कि खन्ना एसडीएम ने सख्त आदेश जारी किए हैं, जहां उनका कहना कि सुबह 6 बजे से 9 बजे तक सिर्फ सब्जी विक्रेता वहां मंडी में सब्जी की दुकानें लगा सकते हैं। इस दौरान किसी भी तरह के वाहनों को प्रवेश की अनुमति नहीं है। मंडी में वाहनों की एंट्री पूरी तरह से बैन होगी। सब्जी मंडी में सैकड़ों टेम्पो पहुंचे, जिसके चलते सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ते हुए देखी गई। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं जहां लॉकडाउन लगाया गया है, कोरोना गाइडलाइंस का पालन कराने के लिए लगातार राज्य सरकार और जिला प्रशासन जीतोड़ कोशिश कर रही है, लेकिन बावजूद इसके ऐसी तस्वीर निकल करके सामने आना कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमण को बढ़ावा देता हुआ नजर आ रहा है। जहां मंडियों की तस्वीर, खन्ना की ये सब्जी मंडी जहां कई वाहन पहुंचे, वहीं वाहनों के चलते सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ती हुई भी दिखाई दी। सब्जी मंडी में सैकड़ों टेम्पो पहुंचे हैं, भीड़ उमड़ी है, जहां भीड़ के चलते कोरोना संक्रमण का खतरा एक बार फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि प्रशासन लगातार कोरोना की चेन को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, जिसके लिए लॉकडाउन लगाया जा रहा है, नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है, सख्ती भी पुलिस के द्वारा लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन बावजूद इसके सब्जी मंडी की ये तस्वीर निकल करके सामने आ रही है जो कहीं ना कहीं सरकारी आदेशों की अवहेलना करती हुई नजर आ रही है। और मुक्तसर साहिब के बैंक रोड में लॉकडाउन के दौरान आम दुकानदारों ने व्यापार मंडल के प्रधान इंद्रजीत का घेराव किया और प्रधान के साथ बहसबाजी भी की गई, जिसमें दुकानदारों ने कहा कि लॉकडाउन में सभी दुकानें खुलवाई जाएं या फिर सभी दुकानें बंद करवाई जाएं, जिस पर लगभग 1 घंटे तक बहस चलती रही। वहीं इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी जमकर उड़ाई गई। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस भी पहुंची और दोनों पक्ष को विचार करने की नसीहत दी गई।
ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੇ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹਰੇਕ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲੀਏ, ਭਲਾ 5 ਦੀ ਬਜਾਏ 2 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ SDM ਮੈਡਮ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਲਿਆ 1:30 ਵਜੇ ਦਾ, ਅਸੀਂ 1:15 ਵਜੇ ਮਿਲਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਾਲ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਹਰੇਕ ਟ੍ਰੇਡ ਦੀਆਂ ਖੋਲ ਦੇਣ। ਔਰ DC ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਲੱਗਾ ਅੱਜ ਮਨੋਰ ਵਿਚਰਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ 10:30 ਵਜੇ ਮਿਲਿਆ। महम से गन्ना लेकर फतेहाबाद आए किसानों को मिल गेट के अंदर नहीं जाने दिया गया और गेट पर मिल प्रशासन ने ताला लगा दिया और किसानों के गन्ने को लेने से इनकार कर दिया गया, जिसके बाद किसान और गाड़ी चालक मिल गेट के सामने ट्रैक्टर ट्रॉलियों को लगाकर बैठ गए हैं, जिससे रोड पर लंबी कतारें लगी हुई हैं। इसी को लेकर किसानों ने रसीद की मांग भी की है और कहा कि प्रशासन इस पर कोई ठोस कदम उठाए। तो आपको बता दें कि किसानों ने रसीद की मांग की है, किसानों को मिल गेट के अंदर नहीं जाने दिया गया, जिसके चलते अब किसानों ने अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली लगाकर गेट के सामने प्रदर्शन शुरू कर दिया है, जहां उनको गेट के अंदर जाने की अनुमति नहीं मिली, जिसके बाद लगातार किसानों का प्रदर्शन और गुस्सा देखने को मिल रहा है। महम की यह तस्वीर जहां मिल के गेट के अंदर नहीं जाने से किसान नाराज हैं, इन्होंने गेट के सामने ट्रैक्टर ट्रॉली लगाकर गेट को जहां बंद करवा दिया है, वहीं अब किसानों ने गुस्सा और रोष प्रदर्शन करना भी शुरू कर दिया है। किस लिए आए हो यहाँ? ये गन्ना खाली करने आए हैं जी। फिर क्या हुआ? तो ये क्या जी, रात 12 बजे बंद कर दिया था जी। क्यों? क्यों गए के अंदर लेने को ताला लगा दिया गया। कहाँ से आए हो? हम आए कदड़ी से जी, फतेहाबाद जिला जी। बढ़ते आगे और अब बात फिरोजपुर की करेंगे, जहां से एक ऐसा मामला सामने आया जहां एक किसान और आढ़तियों के बीच विवाद हो गया। ये विवाद फसल को लेकर हुआ, जिसमें एक आढ़ती पर एक किसान के 2 बच्चों को अगवा करके उनके साथ मारपीट करने का आरोप लगाया गया। वहीं किसान भजन सिंह ने बताया कि पहले अपनी फसल को 2 बार आढ़ती को दी थी, लेकिन उसका सही दाम नहीं मिला। जब फिर से दाम को लेकर बातचीत की गई तो दोनों के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद थाने में मामला दर्ज करवाया गया, जिसमें पुलिस ने कहा कि जांच की जाएगी और दोषी पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी कहने की बात पुलिस के द्वारा लगातार की जा रही है। कौन सी बच्चे जिहड़े तुहाडे जिन्हां नूं की कीता गया सी? एक मेरा बेटा सी ते एक मेरा दुध भांजा सी, इन्हां नूं उत्थे गए सी, तूड़ी बना रहे सी, काम कर रहे सी, ते कोई एक आड़तिया ते एक मक्खन सिंह आए सी, ते नाल 4-5 बंदे सी, ते लै गए सी चक के बच्चियां नूं फड़ के लै गए। इन्हां दा थोड़ा जमीन दा रौला सीगा, कल इन्हां नूं किडनैप करके बच्चा ते एक लखविंदर नाम दा उहदे नाल साथी सीगा, दोनों नूं किडनैप करके कुटिया गया। बच्चे दे ते काफी सिर दे विच वी सट्टां नूं खून दीआं 2 इंटियां आईआं, तो हुण इन्हां दी MLR ही दर्ज कर ली है। और पंजाब में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिसे लेकर सरकार ने कोरोना नियमों का पालन करने की हिदायत दी है। वहीं पुलिस ने लोगों को कोरोना महामारी से बचाने के लिए थोड़ा सख्ती दिखाते हुए शहर के ऊधम सिंह चौक पर अभियान चलाया और बिना मास्क पहने वाहन चालकों और पैदल जाने वाले लोगों को रोककर उनका कोरोना टेस्ट करवाया गया। साथ ही लोगों से नियमों का पालन करने की अपील भी की गई, वहीं नियमों का उल्लंघन करने पर चालान काटने की बात भी कही गई। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ SSP ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਮਤਲਬ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਅੱਜ ਟੈਸਟ ਦੀ ਟੀਮ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ, ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। एक तरफ जहां पूरे हरियाणा में स्वास्थ्य विभाग द्वारा वैक्सीनेशन कार्यक्रम पूरे जोरों शोरों से है, तो वहीं दूसरी तरफ वैक्सीनेशन में अंबाला स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल भावेश नामक युवक ने अंबाला के पॉली क्लिनिक में वैक्सीन लगवाई थी, जिसके बाद उसके कार्ड पर लिख कर दिया गया कि उसको कोवैक्सीन लगाई गई है, लेकिन 10 मिनट बाद युवक के मोबाइल पर मैसेज आया कि आपको कोविशील्ड वैक्सीन लगाई गई है। इसी को लेकर युवक ने कहा कि जब जानकारी लेने पॉली क्लिनिक पहुंचे तो अस्पताल के स्टाफ से उन्हें कोई भी जवाब सही तरह से नहीं मिल पाया।
मेरा नाम भावेश है, मैं सेक्टर 10 का निवासी हूँ और मेरे को कल वैक्सीन 10:30 पे लगी थी लेकिन मेरे को कार्ड इशू किया कोवैक्स का, लेकिन मेरे पास 10:40 पे मैसेज आता है मेरे को वैक्सीन लगी है कोविशील्ड। अब क्लियर नहीं कर रहे कि मेरे को कौन सी लगी है वैक्सीन, उनका रजिस्टर भी मेंटेन नहीं है। डॉक्टर से बात हुई है इसको लेकर? हाँ जी, डॉक्टर से बात हुई है, वो कह रहे हैं जिसको जो लगी है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। कोरोना के खिलाफ जंग में जीत हासिल करने के लिए पंजाब सरकार चाहे जितने दावे कर ले, लेकिन जमीनी स्तर की हकीकत कुछ और ही निकल करके सामने आ रही है। आपको बता दें कि मुक्तसर साहिब के गीदड़बाहा में कोविड अस्पताल बनाए गए हैं, लेकिन स्थिति यह है कि कोविड मरीज को समस्या होने पर उन्हें दूसरे अस्पताल रेफर करना पड़ रहा है। वहीं अस्पताल में 11 वेंटिलेटर हैं, जिसमें से 7 वेंटिलेटर मुफ्तसर साहिब सिविल अस्पताल में है, लेकिन इन 11 वेंटिलेटर को चलाने वाला कोई मौजूद नहीं है। वहीं 5 दूसरे अस्पताल भेजे जा रहे हैं, आपको बता दें कि जिससे इस दौरान मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, मरीजों को कई परेशानी हो रही है। मुक्तसर साहब के वेंटिलेटर जो सिविल हॉस्पिटल मुक्तसर मलोट गिदड़बा के बादल मिला के टोटल 11 वेंटिलेटर है, वो मैन पावर की घाट के होने के कारण हजे वर्तों में नहीं आ रहे, जिस करके असीं फरीदकोट मेडिकल कॉलेज विखे 5 वेंटिलेटर शिफ्ट कर रहे हैं। 52 गांवों की करीब 1.5 लाख की आबादी की सेवा कर रहा सिविल अस्पताल अब काफी समय से डॉक्टर्स और स्टाफ की कमी को महसूस कर रहा है, लेकिन फिर भी कोरोना महामारी के साथ लड़ाई लड़कर लोगों की सेवा निभा रहा है। इस अस्पताल में डॉक्टर्स की कमी की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बेशक पंजाब सरकार लोगों को अच्छी सेहत सहूलतें देने के दावे कर रही है, लेकिन सिविल अस्पताल की हकीकत कुछ और ही निकल करके सामने आई है। मैं डॉक्टर जगदीप चावला, SMO ब्लॉक लंबी, इतने 3-4 साल तो काम कर रहे हैं। तो इस टाइम असी कोविड दे संबंधी सारी सहूलत जो मैक्सिमम दे सकते हैं वो दे रहे हैं। असी 52 पंचायत जो लंबी ब्लॉक मौजूद ने उन्होंने कवर करते हैं, तो 1.5 लाख तो उपर की आबादी असी कवर कर रहे हैं। उन्होंने सेवा च साडा स्टाफ लगा होया इस महामारी के दौरान, पर सानू कुछ स्टाफ की घाट सामने आ रही है, उहदे च तकरीबन 10 डॉक्टर सानू होर चाहिए है। अगली खबर यमुनानगर से है, जहां लोग लॉकडाउन और कर्फ्यू के बावजूद सड़कों पर बिना वजह घूमते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे लोगों पर अब पुलिस ने सख्ती बरतना भी शुरू कर दिया है। बता दें कि DSP प्रमोद कुमार खुद कई टीमों के साथ यमुनानगर के अलग अलग इलाकों में गश्त करते हुए दिखाई दिए और कार्रवाई भी करते हुए लोगों के चालान काटे। आप देख सकते हैं सड़कों पर वाहन धड़ल्ले से चल रहे हैं, वहीं इस दौरान पुलिस प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। इसी को लेकर DSP ने सख्त कदम उठाया और कार्रवाई की। और अब बात अमृतसर की करेंगे, जहां एक पिता और बेटा असहाय लोगों की मदद कर रहे हैं। गरीब उत्पीड़ित मरीजों और उनके परिवार को मुफ्त एम्बुलेंस सेवा दी जा रही है, लेकिन कुछ लोगों ने इसे ऐसा करने से इनको रोका, जिसके बाद एक पक्ष ने कुछ पैसों की मांग की, जिसके बाद मारपीट तक नौबत पहुंच गई। फिर थाने में मामला दर्ज कराया गया। इसके बाद पुलिस जांच अधिकारी ने कहा कि दोनों पक्षों की शिकायतें दर्ज कर ली गई हैं और कार्रवाई की जाएगी। अमृतसर की तस्वीर, जहां एक पिता और बेटा असहाय लोगों की मदद कर रहे हैं, वहीं इस दौरान उनको मुफ्त एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध कराई जा रही है, लेकिन कुछ लोगों ने इस पिता और बेटे को ऐसा करने से रोकना चाहा, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच विवाद की स्थिति पहुंची। आपको बता दें कि एक पक्ष ने कुछ पैसों की मांग की इन पिता और बेटे से, जिसके बाद मारपीट तक नौबत पहुंची। हालांकि इस पूरे प्रकरण में मामला दर्ज हुआ है थाने में, जिसके बाद पुलिस लगातार कार्रवाई की बात कर रही है। जय श्री राम जी। सर जी, गल मेरे बेटे के अगे भी इतनी थे 5-6 दिन पहले दी दरखास्त दी है, उदो भी SMD के बाहरों फोन आया थी, कहते भी जड़ बड़ी गरीब बंदे छड़ जाओ, आने गए फ्री चले चले जी। इन्हें जाके उसे थी मुंडे से पै गए भी है, कहते तो किया 7,000 रुपया, तू किसा 2,000 इन्ना को ले लेंगे, ठीक है जी। मैं अभी भरा तेल फ्री छड़े चले हैं, ठीक है जी, अभी तेल भी पलियो पा के देवे। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੱਥੀ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਥਾਣੇ ਜੀ। ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਾਣ ਕੇ ਫਿਰ ਹੱਥੀ ਪੈ ਗਏ ਬੱਚੇ ਦੇ, 2 ਲੱਕੜਾਂ ਪਈਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਇੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ
भी बंदे गवाह है जी जे भी मौके के गवाह कि मूवी बनाई है कि सब कुछ वेख्या जी और इटा मारते लोगों ने बचाया सानू। और अमृतसर में लूट की वारदातें दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं जिसकी वजह से पुलिस को अपनी मुस्तैदी बढ़ानी पड़ रही है जिसके चलते पुलिस ने नाकाबंदी भी शुरू कर दी है जिसमें पुलिस ने एक युवक को पकड़ने में सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि इस दौरान पत्रकारों को जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारी ने बताया कि अजय कुमार नाम का एक युवक शराब के नशे में था और उसकी जब तलाशी ली गई तो उसके पास से एक पिस्टल बरामद हुई जिसके बाद पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया। जी सरकार आर्डर बहुत क्लियर है कि सारे स्कूल बंद है इंक्लूडिंग फॉर टीचर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज आल्सो, बट सरकारी टीचर का छुट्टी नहीं है, वो कोविड का ड्यूटी करना है, वो सारा आर्डर में क्लियर लिखा है। किसी ने और काम कोविड के अलावा काम कर रहे हैं जरूर जांच करेंगे। नहीं मेरी ना असल स्कूल 7 to 12 लगता है, रात ना मेरी 9:15 बीडीओ सर गल हुई थी ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਸਿਸਟਮ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਜੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਟਾਫ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਰਿਸਕ ਨਾ ਲਓ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਸੁਬਹਾ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਜੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਸੁਬਹਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ 9:30 to 9:00, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭੇਜ ਦਿਓ। बटे आगे जहां अमृतसर में रहस्यमयी हालातों में एक युवक का शव मिला जिसे पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। युवक के परिजनों के मुताबिक युवक को शराब पीने की लत थी और वो पिछले एक महीने से परेशान था और वो कहीं चला गया था जिसके बाद थाने में मामला दर्ज करवाया गया जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने शव को बरामद किया। वहीं पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद ही कुछ पता चल पाएगा। ਇਹ ਘਟਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦਾ ਲੜਕਾ ਇਹ ਐਤਵਾਰ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਚੌਂਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ, ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਾਈ ਰੱਖਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਸਾਡੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਛੇਹਰਟੇ ਚੌਂਕੀ ਜਾਓ, ਛੇਹਰਟੇ ਚੌਂਕੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਛੇਹਰਟੇ ਥਾਣੇ ਜਾਓ, ਛੇਹਰਟੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਮੁੰਡਾ ਗਾਇਬ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ। और अगली खबर मोगा से है जहां रामगंज में एक बड़ा हादसा हो गया। एक घर की छत गिरने से मां और बेटे दब गए। आपको बता दें कि मलबे के नीचे दबकर दोनों मां और बेटे की मौत हो गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शवों को बाहर निकाला। और अब बात फिरोजपुर की करेंगे जहां एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। आपको बता दें कि एक कार ने एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी जिसमें एक की मौत हो गई जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं घटना की जानकारी देते हुए मृतक के परिजनों ने मदद की गुहार लगाई है और कार चालक के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई। ਸਰ ਲੜਕੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰਾਜ ਸੀਗਾ, ਘਰ ਵਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਮੋਟਰ ਸਵਾਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਿੱਛੋਂ ਤਿੰਨ ਵਾਈਟ ਰੰਗ ਦੀ ਕਾਰ ਆਈ, ਪੇੜ ਮਾਰੀ, ਇਹਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਕੱਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਸਾਂ ਤੇ ਥੋੜੇ ਅੱਗੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਥਰੂਮ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਬਾਤ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਗੱਡੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵਾਹਨ ਵੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਖਲੋਤਾ, ਲੋਕ ਇਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾ ਇੱਥੋਂ, ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। 1 kilometer ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। तो फिरोजपुर का ये पूरा मामला जहां एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां कार ने एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी जिसके बाद एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं दो लोग इस दौरान गंभीर रूप से घायल। घटना की जानकारी देते हुए मृतक के परिजनों ने मदद की गुहार लगाई है।
और अमृतसर की सिविल लाइन पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। आपको बता दें कि पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर नाकाबंदी की, जिसमें पुलिस ने एक युवक को रोककर उसकी तलाशी ली, जिसके पास से पुलिस ने 200 ग्राम हेरोइन बरामद की है। जिसके बाद इंस्पेक्टर शिव दर्शन ने युवक के खिलाफ मामला दर्ज किया और बताया कि पकड़ी गई हेरोइन की अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए है। तो अमृतसर का ये पूरा मामला, जहां सिविल लाइन पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। आपको बता दें कि पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर नाकाबंदी की, जिसमें पुलिस ने एक युवक को रोककर उसकी तलाशी ली। बता दें कि पुलिस ने इस युवक के पास से 200 ग्राम हेरोइन बरामद की है, जिसके बाद इंस्पेक्टर शिव दर्शन ने युवक के खिलाफ मामला दर्ज किया। इस दौरान हेरोइन की अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए बताई गई। तो अमृतसर का यह पूरा मामला, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। आपको बता दें कि अमृतसर की सिविल लाइन पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है, जिसमें पुलिस ने तलाशी के दौरान एक युवक से 200 ग्राम हेरोइन बरामद की है, जिसके बाद इंस्पेक्टर शिव दर्शन ने युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि इस दौरान हेरोइन की अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। तो अमृतसर का यह पूरा मामला, जहां सिविल लाइन पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। आपको बता दें कि युवक के पास से 200 ग्राम हेरोइन पुलिस ने बरामद की है, वहीं पुलिस ने युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। इस दौरान हेरोइन की अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। लगातार पुलिस के द्वारा इस तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसके चलते अब पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर नाकाबंदी की, जिसमें पुलिस ने एक युवक को रोककर उसकी तलाशी ली, जिसके बाद पुलिस ने 200 ग्राम हेरोइन उस युवक से बरामद की है। बता दें कि इस हेरोइन की अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ਇਹ ਕਰਨ ਸਾਨੂੰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਵਾਸੀ ਚਮਰੰਗ ਰੋਡ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਬਾਗ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹੈਰੋਇਨ ਵੇਚਦਾ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਬਰਸਾਂ ਨੂੰ ਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਏ ਸੀ ਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ 'ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ 200 ਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਵੀ ਹੈਰੋਇਨ ਦਾ ਮੁਕਦਮਾ ਦਰਜ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਪਰਾਧੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਮੁਕਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਵਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। तो अमृतसर का यह पूरा मामला, जहां सिविल लाइन पुलिस ने नाकाबंदी की, गुप्त सूचना के आधार पर यह नाकाबंदी की गई, जिसमें पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि युवक के पास से लगभग 200 ग्राम हेरोइन पुलिस ने बरामद की है, वहीं हेरोइन की अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। और इसी के साथ पंजाब, हरियाणा, हिमाचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए 7+ न्यूज। नमस्कार।